तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, इट्स योर अक्षो 56 राइडर। तो आज का व्लॉग ऐसा हो रहा है कि चले जा रहा हूँ मैं थुर, वो आपको पता लग गया होगा क्यों जा रहा हूँ। और आंटियों का रिएक्शन हमारे पर बनी है हेलमेट पर। तो यो क्या बोले, पेट्रोल भी भराना पड़ेगा क्योंकि मेरा मैं बाइक बड़ी कम निकाल रहा हूँ, मतलब मेन ब्लॉक्स के लिए निकाल रहा हूँ अब, क्योंकि पैसे बचाना पड़ रहे हैं। तो इतने बड़े खर्चे किए मैंने तो अब उनको मेंटेन के पीछे, और बाइक भी ठीक कराने जाना है। तो क्या बोलते हैं यार भाई साहब, एक तो अब दे रहे इंडिकेटर में हुआ भैया, भाई साहब मेन आगे खींचेंगे यहाँ क्या बोल। सी एड कटाया तो डालने नहीं कभी मैंने, डालूंगा पोलो MR। अब मैं MR फिर मैंने ट्राई कर लिया कि भाई साहब ये मेरे को नहीं पता कि ये जो मेरे टायर एक साइड से किया टायर की दिक्कत है कि कुछ अलाइनमेंट का फड़ा पड़ा हुआ है लफड़ा, क्या बोलूँ यार। भाई अभी हम बुआरना पहुंच गए, तो सोचो बुआरना में पुलिस वालों का सीन पड़ता है, तो वो कैमरा ऑन कर लेते, कुछ सही मिला तो वीडियो डालेगी, मतलब यहाँ की आगे की पूरी वीडियो आएगी। बस भाई आप सब सपोर्ट करते रहो यार, बस जैसे अभी प्यार दे रहे हो ना वैसे प्यार आगे जाके भी करते रहो। रिएक्शन को मैं दिखाने लग पड़ा ना तो भाई मैंने पता क्या था, वीडियो लंबी हो जाती है वैसे तो। पूरा बाजार खाली, जब यहाँ पे मेला होगा तो यहाँ पे भी फिर आएंगे, हम होंगे यहाँ पे कि नहीं होंगे वो भी नहीं पता, क्योंकि भाई ITI का कोई पता नहीं कब हमें ट्रेनिंग के लिए भेज दे। इधर तो मेरे को पता बोल रहे कि 2 महीने 3 मंथ्स तक तो यहीं पे ही हैं, देखते हैं आगे क्या बोलते वो, मतलब तो अप्रैल तक मैं हूँ यहाँ पे, मेरे बर्थडे के मंथ के दिन मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं होऊँगा। देखो बिजी पर्सन जरूर थोड़ा है, वैसे तो मैं आया था मैं यहाँ पे भी। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपना, अरे क्या नाम इस जगह का, मैं जगह नाम भूल जाता हूँ, गरम कर ली अंकल खुद गलत चले हो क्या मैं बोल रहा हूँ, लोकल होने का यही तो फायदा उठाते बंदे। भाई मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ बड़ों को, ठीक है। बंदे मेरे को बोलते हैं कि तू इनसे बहस कर पैसे पूछे लेकर, भाई मैं सिंपल सा फंडा ना मैं करता हूँ रिस्पेक्ट, ठीक है। हाँ जहाँ पे भाई जहाँ नुकसान हो जाएगा तो वहाँ पे तो मैं लूँगा, और जहाँ भाई 5,000 की बात आई, मेरे को घर वालों ने ये सिखाया कि भाई कि रिस्पेक्ट करो बड़ों से, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं भाई बड़ों को कुछ नहीं बोलता हूँ अपनों से, क्योंकि रिस्पेक्ट हर जगह देनी चाहिए, बड़े हो छोटे हो तो भी। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं अपना, पता नहीं कौन सी लोकेशन है ये, आई डोंट नो। यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी है, कुछ स्कूल में फंक्शन है क्या, कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरी पूरी बाइक की अलाइनमेंट टेढ़ी हो गई है। भाई
है यार। यहाँ पे देखो लेडीज भाई साहब विदाउट हेलमेट, कोई चिंता नहीं। वहाँ पे हमारे पास में चलो भाई, मैंने भी ऐसे ट्राई की, पर डर लगता अल्टीमेट वाला। पर भाई हेलमेट, आप भाई जो मर्जी मेरे वीडियो देख रहा हो ना इस वक्त, चाहे वो छोटे से बड़े तक, भाई एक बात बोल लो भाई, आप हेलमेट लगा के चलना, क्योंकि हेलमेट के बिना भाई मेरे घर के साइड तो क्या बोलूँ। पर हेलमेट भाई, हेलमेट लेना तो भाई 500-400 वाले वाला मत लेना, अच्छा पैसे खर्च लोगे तो भाई आपका घर पे वाले और आप भी सेफ रहोगे। अब रही हमारी बात, अब आप हमें बोल रहे होंगे कि हाँ पैसे चलते भाई, मानते यार चलते हैं, सब कुछ करते हैं। हम जैसे हमारा हेलमेट है और मेरा वैगा का हेलमेट है, ठीक है, हमें जैसे मेरा पीछे पीछे बहुत दो तीन महीने पहले क्रैश हुआ था, तो भाई हेलमेट ने मेरे को बचाया था। तो वो तो हेलमेट में अच्छे खासे पैसे खर्च लो तो वर्स है, चाहे वो आप 70,000 का ले लो, चाहे आप 1,00,000 का ले लो, चाहे 5,000, भाई बेस्ट बजट हेलमेट होता है 5,000 तक। आओ भाई 5,000 को तो बंदे नहीं खर्चते, पर खर्च लोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट है, जिससे आप ये होगा कि भाई आप सेफ रहोगे, भाई आपके घर वाले भी आपके ये होगा। अब यहाँ भी उसका हॉस्पिटल कहाँ पे है, लगाए ले अंदर ही। कुतु अच्छा भाई साहब, क्यों कैसे आ गए यहाँ पे, रीजन बता दोगे? घर में मन नहीं लग रहा था, सोचा थोड़े दिन हॉस्पिटल जाकर आते हैं। अच्छा जी, तो जिनको नहीं पता बता देते हूँ, अपना अबू राइडर भाई, तो ऐसे तो मिलना नहीं था और यहाँ पे मिल रहे हैं। हंसी देखो इनके चेहरे पे। फिर ब्रो कब आएंगे रहे हैं? ब्लॉग जल्दी आएंगे, आएंगे देखते हैं, बंदा बिजी है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बीमार है, तो उसी कारण मेरे को पता नहीं था, इसने कल फ़ोन किया है तो जाके पता लगा मेरे को कि बीमार है। तो अपने बनी हेलमेट के साथ, तो मिलते हैं तो आपको बाद में। धन्यवाद हैं चलो भाई, नहीं ये तो थोड़ा ना हेली बाहर है, नहीं नहीं चलो भाई सब निकलते हैं यहाँ से। फुल पावर अभियान से ली मोटे रिएक्शन तो गए, 12 बज गए यहीं पे। तो भाई दोस्त है भाई, भाई है तो भाई के लिए इतना कर सकते हैं भाई, हम कुछ कर नहीं सकते, आ तो सकते उसके लिए। कोई भरोसा नहीं भाई, यहाँ पे ठुल्ले लग जाते हैं, कोई पता नहीं होता उनका। वो आना 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से यार। भाई साहब, भाई 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 मोट अच्छा कैसे कह देखो गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बवारना, वापस से बवारना, तो अभी हम पालम घर चलते हैं। पहले सुबह का टाइम आया था, देखते शाम का टाइम भीड़ होगी तो ठीक।
क्या बोले यार, रिएक्शन तो तगड़े आते हैं, कैच ही नहीं होते। वो बच्चों के रिएक्शन मिलने वाले तगड़े वाले। अब वाह, पता नहीं कौन सा स्कूल है ये। हो गाइस, कैमरा ऑन रह गया था। तो भाई साहब आगे से छोटे छोटे बच्चे मोटे देखते हुए, ओ बाबा, हाथ मतलब तो पानी पिए तो भाई हाथ ठंडे लगोगे, सुन्न हो गए जैसे लग रहा है। जाता हूँ ओ बाबा, जंप लग गया भाई। आगे ट्रैफिक यार, शिट मैन मोड है, काम में आती है। एक बार टायर वाला सीन अच्छा हो जाएगा ना, टायर डल जाएंगे नहीं हूँ तो और सही बाबा लीन के। ये तो इस साइड भाई है, टायर गंजा नहीं है इस साइड।